हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी हम लोग चर्च जा रहे हैं। आज संडे है तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह सुबह नींद से देखो शक्ल कैसे लगता है, भले कितना अभी हम मेकअप कर ले। तो अभी मैं अपने घर पे आकर रेडी हो गई हूँ, स्नान वान करके मैं रेडी हूँ। अभी मैं फटाफट जाके रियांश को रेडी करती हूँ, रियांश को भी हम लेके जा रहे हैं। वैसे मैं रियांश को हफ्ते में एक बार, मतलब महीने में दो बार लेके जाती हूँ, हर हफ्ते नहीं लेके जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन को छुट्टी 15 दिन में एक बार होता है। तो जब वो चलती है तब मैं उसको लेके जाती हूँ, तब भी फटाफट रियांश को रेडी करके आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर रियांश उठ गया है मेरे आने के पहले और बैठ के बालकनी में खेल रहा है राम के साथ। अब इसको रेडी करती हूँ मैं। चलो रियांश, चलो चर्च चलना है, चलो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। क्लैप कैसे करोगे? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, रियांश भी रेडी है। तो अभी हम जा रहे हैं चर्च। तो हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं सप्ताह का दिन फिर से, रियांश को चक्कर मारने लेके आए हैं। हमारे इधर लाइट बंद हो गया था तो रियांश बेचारा चिड़चिड़ कर रहा था, छोटा बच्चा है, इसके लिए अभी हम लोग उसको घुमाने लेके आए। गौरी और मैं ही आई है यहाँ पे, बाकी सब बिजी है। तो ये गार्डन तो आपने पहले वैसे भी देख लिया है, तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ खास दिखाने के लिए। अभी थोड़ा वो साइड जाते हैं बच्चों वाले गार्डन में, थोड़ा उसको घुमाते हैं, फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो गौरी जी, आप कुछ कहना चाहोगे इस गार्डन के बारे में? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बकवास गार्डन है। बैड कमेंट, बैड कमेंट। रियांश